रविंद्र रैना जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज 3 साल हो चुके हैं, 3735 से एब्रोगेट हुए, हमारे साथ हैं। सर, महबूबा मुफ्ती जी ने तिरंगे पर जो कहा, कैसे देखते हैं महबूबा मुफ्ती पर? ध्यान दीजिए सर, महबूबा मुफ्ती पर उन्होंने तिरंगे को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की, उसको क्या कहेंगे? मैं महबूबा मुफ्ती जी को कहूंगा कि अपने घर की छत के ऊपर शान से तिरंगा झंडा लहराए और जश्न आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान में उनको भी शामिल होना चाहिए। ये उनका भी तिरंगा झंडा है। जब वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इस बात की सौगंध खाई थी कि वो भारत के संविधान को हमेशा अपहोल्ड करेंगी, और चूंकि अब आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं तो महबूबा मुफ्ती जी को भी शान से अपने घर की छत पर तिरंगा झंडा लगाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपको प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगा लगाना है, उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल झंडा लगा दिया, क्या लगता है आपको? 370 देखिए, देश के प्रधानमंत्री बात नहीं मानेंगे सर, उसको देखिए। पूरे जम्मू कश्मीर में आज चारों दिशाओं में तिरंगे झंडे ही झंडे लहरा रहे हैं, और शायद ये देखकर महबूबा मुफ्ती साहिबा को थोड़ी परेशानी है, वो भयभीत हो रही हैं। मैं मैडम महबूबा मुफ्ती जी को कहूँगा कि उनको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक शान से एक तिरंगा झंडा लेकर अपने घर की छत के ऊपर लगाएं, लगाएंगे लगता है महबूबा मुफ्ती जी, और अगर लगाएं हमें बुलाएं हम भी जाएंगे। महबूबा मुफ्ती जी का जो गए थे लाचो कड़े बुलाया नहीं उन्हें, झंडा लहराने के लिए देखिए मुफ्ती जी का धारा 370 की बात कभी हो ही नहीं सकती, धारा 370 375 से आएगा। उन्होंने कहा वो दिन दूर नहीं कि भाजपा वाले जो है वो तिरंगे का रंग बदल के भी बदला कर देंगे, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि महबूबा जी को कोई भयभीत होने की घबराने की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों इतने परेशान हैं। बस एक अच्छा सा बढ़िया बड़ा सा झंडा लेकर अपने घर की छत, 3 साल हो गए सर, 35 से और 370 खत्म हुए सर, 3 साल हो गए, क्या कुछ बदला जम्मू कश्मीर में 3 सालों में? आपको लगता है बहुत कुछ? 3 सालों में क्या कुछ बदला दे रहे हैं? देखिए कांग्रेस कह रही है कुछ नहीं बदला, कांग्रेस कह रही है कुछ नहीं बदला। सपने लेने में कोई बुराई नहीं है, सपने लेने ही चाहिए, लेकिन सपने वही होने चाहिए जो हकीकत के ऊपर बेस्ड हो। रैना साहब ऐसे सपने रैना साहब भाजपा की दारा तीन जो सपने जम्मू कश्मीर से हटाएंगे, एक मिनट, उसके बाद कहा जा रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री आएगा, क्या कहेंगे? वो भी आएगा आएगा, लेकिन आज पीएचई डिलीवेजर्स की बात करें, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस की बात करें, सड़कों पे है, आपको लगता है? चलो इन सबके मसले हल, सबके मसले। सीबीआई की टीम पहुंची है अखनूर, सीबीआई की टीम अखनूर पहुंची है, जेके पीएसआई के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या हक मिलेगा उनका, जिन्होंने मेहनत करी थी? सीबीआई का काम है, सीबीआई का अपना काम है, सीबीआई अपना डिलीवेजर्स पे, एक शब्द सर डिलीवेजर्स पे, सर डिलीवेजर्स के लिए एक शब्द, थैंक यू, सबके मसले हल करें। देख सकते हैं आप तस्वीरें, और सीधा जो है उनसे बातचीत जो है वो की गई है फिलहाल, और रविंद्र रैना जी से एक्सक्लूसिव बातचीत थी, फिलहाल सवाल जो है वो पूछा है, और सीधा तिरंगे को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी एक बार फिर से पैदा हुई, जिस तरीके से फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं महबूबा मुफ्ती, उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया जिसमें उनके फादर जो इस दुनिया में नहीं है अब, और वो और प्रधानमंत्री जो थे वो बैठे हुए थे, जिसमें जम्मू कश्मीर का फॉर्मर फ्लैग जो था वो था और भारत का तिरंगा जो था वो था। उन्होंने ये कहा कि तिरंगा जो है आपने हम पर थोपा है, हम हमारी आत्मा से आप हमारा झंडा जो है वो नहीं छीन सकते, उस पर काफ़ी विवाद जो है वो खड़ा हो गया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो है आप सभी को अपनी प्रोफाइल फोटोज पर जो है वो जो है वो लगाना है, लेकिन क्या उनकी भी बात जो है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती जो है वो नहीं मानेंगी, क्या उनको उनकी भी बात जो है वो नहीं मानी जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर, यानी कि जम्मू कश्मीर के यहां पर ही उन्होंने जो संविधान की शपथ ली यहीं पर तिरंगे झंडे को उन्होंने 26 जनवरी को फहराया, 15 अगस्त को फहराया, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि देश का हर एक बच्चा जो है वो अपनी प्रोफाइल पर जो है वो तिरंगा लगाएगा, तो उस पर जो है उन्होंने विवाद खड़ा कर दिया और एक बार फिर इस कॉन्ट्रोवर्सी का हिस्सा जो थी महबूबा मुफ्ती बन गई। लेकिन डेलीवेजर्स की बात करें, जेके पीएसआई की बात करें, एफ ए की बात करें, जब भी बातचीत की जाती है किस तरीके से उनके रिएक्शंस जो है वो आते हैं, सीधा आपने सुन लिया है, और हमारी सीधी बातचीत जो थी वो उनसे रही है। और इस वक्त अगर बात करें, क्योंकि एक प्रोग्राम था डोगरी कलाकारों की, बात करें उनका एक सॉन्ग रिलीज फंक्शन था यहां पर वो थे, यहीं पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत जो है वो की गई है, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सीबीआई जो है वो अपना काम करेगी और जो भी कल्प्रिट्स हैं उन्हें कदे भी बख्शा जो है वो नहीं जाएगा। वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपने अवश्य रखिएगा, वीडियो जितना से उतना शेयर करिएगा, बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बढ़ रहे हैं बहु एक्सप्रेस पर, डोरा के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए, जय हिंद।